नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। आज एक और वीडियो आरटीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स एस्पिरेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स के जो मुझे 5-7 दिनों में जो मैसेज मिले हैं उनको कंपाइल करके ये वीडियो आपके लिए तैयार है। इस दौरान मुझे सबसे ज्यादा तो मैसेज मिले थे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, यानी कि जिनकी मैथ्स वीक है, यानी कि जो एवरेज है, वो स्टूडेंट कैसे सेकेंड ग्रेड एग्जाम्स को निकालें, ये उनके लिए एक चुनौती है। यानी कि वो स्टूडेंट जो अपने जो एक एवरेज कैटेगरी में आते हैं, वो चाहते तो हैं तैयारी करना, लेकिन दिक्कत ये है कि मैथमेटिक्स उनका उतना स्ट्रांग नहीं है। 11th 12th बीएससी पार्ट, 9th 10th वाला पार्ट, तो वो क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि ये एग्जाम इस वाले अटेम्प्ट यानी कि 2024 वाला वो निकाल सके, उसको लेकर स्टूडेंट ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं, यानी कि इस साल अगर 1.5 लाख के आसपास बैठेंगे स्टूडेंट, तो उस कैटेगरी में 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट उसी कैटेगरी में आते हैं जिनका मैथ्स एवरेज होता है, ये कन्फर्म बात है। ठीक है, जो मोर देन एवरेज स्टूडेंट है वो उनकी संख्या बहुत कम होती है स्टूडेंट, तो बहुत से स्टूडेंट अपनी उसी कमजोरी को दूर करके और एग्जाम में सफलता प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही यूजफुल साबित होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट उसी कैटेगरी में आते हैं जिनका मैथमेटिक्स एवरेज होता है। नंबर वन, देखिए स्टूडेंट आपको तैयारी किस तरह करनी है। नंबर वन की आपको जो नेगेटिव अप्रोच है स्टूडेंट वो छोड़नी है, है ना। नेगेटिव अप्रोच को आपको छोड़ देनी है। क्या हो रहा है कि जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है वो अपना जीके ही स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं, यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम जीके में 150 नंबर ले आए तो हमको मैथ्स में तो 100 ही नंबर लाने रहेंगे 300 में से, और 250 के आसपास मेरिट जाती है तो सिलेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट। तो वो एक नेगेटिव अप्रोच है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। नो डाउट कि जिनका मैथ्स ऑन एन एवरेज है या वीक है वो अपना जीके भी अच्छा रखें, और जीके का उनका स्कोर वो लगभग 120-130 के आसपास के जब भी वो टेस्ट खुद ही लेते रहें, अगर कोई कोचिंग नहीं जाते हैं, पुराने पेपरों का सहारा ले लें, आपकी बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में उपलब्ध हैं, पुराने मॉडल पेपर है, उनके थ्रू अपनी तैयारी को जीके को लगातार चेक करते रहें कि भाई मेरे मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं या नहीं। 120-130 इतने ही मार्क्स आपको मैथमेटिक्स में लाने, यानी कि आपका रेशियो 50-50 का होना चाहिए अगर आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हैं। ज्यादातर स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ इसी कैटेगरी में आते हैं कि मैथ्स में उनके 130-140 आते हैं और जीके में भी 120-130 के लगभग आते हैं, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाता है। ठीक है, तो नंबर वन आपको जीके की नेगेटिव अप्रोच से बचना, यानी कि आपको अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे तो ऐसा नहीं कि आप जीके 4 घंटे पढ़ेंगे और मैथ्स 2 घंटे, ये नहीं चलेगा। आप 3-3 घंटे दोनों को साथ में रख सकते हैं, जीके के लिए आप एक अच्छी रणनीति बना लें ताकि आपके 120-130-140 तक निकल जाए, है ना, और ताकि आपके मैथ्स पे आपको प्रेशर ना पड़े। अब रही बात आपकी मैथ्स, तो स्टूडेंट आप मैथ्स की तैयारी किस तरह की करें उसके लेकर के पूरा वीडियो है, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंस यही है कि क्योंकि वो आपके 300 नंबर का पेपर है मैथमेटिक्स का, जो सेकंड पेपर है। ठीक है, उसमें से आपका जो स्कोर है अगर 130-150 के आसपास चला गया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इस रेंज के अंदर नंबर लाने की कोशिश करनी है, 130-150। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या मदद करेंगे, इसमें आपका मदद करेगा 9th 10th वाला पोर्शन। 9th 10th वाले पोर्शन के लगभग 10-15 क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन, यानी कि यहां से आप मिनिमम 20 मार्क्स ला सकते हैं। अगर मैं 30 नहीं बोलूं तो आप 20 मार्क्स 9th 10th में से आप कैरी कर सकते हैं। नंबर दो स्टूडेंट क्या है कि आपका मेथडोलॉजी, है ना, मेथडोलॉजी वाला जो पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स, है ना। तो 40 मार्क्स में से स्टूडेंट अगर आप ज्यादा भी नहीं माने तो मैं केवल 25 मार्क्स मान रहा हूं। कितना? 25 मार्क्स यहां से और 20 मार्क्स यहां से, दोनों मिलाकर के स्टूडेंट आपके पास में ऑन एन एवरेज 45-50 तक का टारगेट आपके पास में ये दोनों पहुंचा सकते हैं। अब आपको 80-90 तक का टारगेट और रखना है, है ना। उसमें क्या करना है आपको, 9th 10th वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कर लें, आप जो मैथोलॉजी वाला पार्ट है उसको भी अभी से ही आप पढ़ते रहें, उसको आप लास्ट समय के हवाले मत करें, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि 20 में से आपको 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन
आपको अगर मिल जाते हैं तो कम समय में आपको सॉल्यूशन दिलाएंगे। नंबर टू, पुराने पेपर को अवश्य सॉल्व कर लें। पुराने पेपर का मतलब हो गया फर्स्ट ग्रेड के जितने भी हुए हैं, सामान्य शिक्षा विभाग हो गया, संस्कृत शिक्षा विभाग हो गया, विशेष शिक्षा विभाग हो गया, प्लस सेकेंड ग्रेड के पेपर भी आप सोल्व करते रहें, ठीक है। वो बहुत मदद करेंगे आपको, स्पेशली पेडागोजी में मेथोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन वही है, पेडागोजी मेथोलॉजी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वही 1500 से 2000 क्वेश्चन है, वही घूम फिर के बार बार आते रहते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आपका टारगेट है 9th, 10th और आपका पेडागोजी वाला पार्ट मिलाकर के 45 to 50 मार्क्स आपका आ जाए। और रही बात अब 100 मार्क्स की, है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स के लिए नंबर वन क्या करना है, आपको बीएससी पार्ट बहुत अच्छा कर लेना है, बीएससी पार्ट, है ना। मैंने 11th 12th पार्ट की बात नहीं करी है, बीएससी पार्ट की बात करी। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल कौन प्ले करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट पता है आपको बीएससी पार्ट के 10 टॉपिक हैं, है ना, और क्वेश्चन की संख्या जैसे कि 2022 में 80 आ गई थी, 80 भी नहीं आए, 40 भी आए स्टूडेंट, तब भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से अगर सबसे ज्यादा किसी ने पूछे जाते हैं तो आपके बीएससी पार्ट में से है, यानी कि अगर 40 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए स्टूडेंट 20 से 30 क्वेश्चन पुराने अवश्य आते हैं। 40 आ गए स्टूडेंट तो 10-12 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली से मिलेंगे जो आपको पिछले सालों के पेपर में से बिल्कुल एज इट इज आते हैं, यानी कि आपको कम इनपुट में अच्छा खासा आउटपुट देता है, तो वो बीएससी पार्ट है, है ना। तो आप बीएससी पार्ट को बहुत अच्छा सा करें, यानी कि आप अभी से ही बीएससी पार्ट को साथ साथ में पैरेलली चलाते रहें 11th 12th के साथ। पहले तो क्या करेंगे आप, 19th वाला पार्ट अच्छे से कर लें, पेडागोजी मेथोडोलॉजी को भी अभी से चलाते रहें, बाद के भरोसे नहीं छोड़ें, मैं फिर कह रहा हूं, तो आपकी तैयारी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। और सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग भी पेडागोजी मेथोडोलॉजी ही करवाता है, क्योंकि जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वो 20 में से 20 करके आता है, उसको लगता है यहां कोई मार्क्स मैं ले ही आता हूं, और वो 20 में से 20 सबसे ज्यादा उसके 5-7 गलत यहीं पर हो जाते हैं और वहीं से बाहर हो जाता है, उसको अंदाजा भी नहीं लग पाता है, क्योंकि पेडागोजी मेथोडोलॉजी मैंने हमेशा कहा एक दुधारी तलवार है जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसके लिए आपको इसका सिलेबस पर भी उतना ही ध्यान देना जितना कि आप कंटेंट पर ध्यान दे रहे हैं, या मान के चलिए, क्योंकि आप एक एवरेज स्टूडेंट है, कंटेंट के साथ में आपकी थोड़ी सी दिक्कत है, तो आप कंटेंट के अलावा जो चीजें हैं, 9th 10th वाला हो गया और मेथोडोलॉजी हो गया, वो आप अच्छे से कर लें। इसके बाद आप सेलेक्टिव अप्रोच अपना लें बीएससी पार्ट और 11th 12th पार्ट के अंदर, है ना। तो बीएससी पार्ट को आप छोड़े नहीं, कई स्टूडेंट क्या होते हैं जो ऑनलाइन एवरेज होते हैं वो बीएससी पार्ट को छोड़ के जाते हैं। 2022 में सबसे ज्यादा दिक्कत वही आई है, जो स्टूडेंट का बीएससी पार्ट अच्छा था उसने स्कोर कर लिया और सिलेक्शन हो गया, है ना, और जो स्टूडेंट केवल 11th 12th पार्ट के भरोसे गए थे वो सब रह गए, हालांकि वो मिसमैच पेपर था, लेकिन यही कहानी हमेशा है कि बीएससी पार्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेना। वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2008 से लगा करके 2022 तक के सारे सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन, सारे फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन, इवन आपके कॉलेज लेक्चर के क्वेश्चन, डिग्री कॉलेज लेक्चर, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर, ACF का भी एग्जाम होता है, उसमें भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉलेज लेवल के, यानी ये सब मिला करके आपको बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। पहले आपको सारे पेपर कर लीजिए पुराने टॉपिक वाइज, ठीक है, तो आप बीएससी पार्ट को मत छोड़ के जाइएगा, है ना। यहां से अगर आपके 40 क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट आपके 20 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिल जाने चाहिए। तो कितने होंगे, 50 से 40 90, यानी 90 तक आप पहुंच जाएंगे। आपको 40-50 स्कोर और करना है, तो 11th 12th में आप इतना स्कोर कर लेंगे, यानी कि आपको अप्रोच क्या होनी चाहिए, 9th 10th बहुत अच्छे से करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना, मेथोडोलॉजी पेडागोजी अभी से शुरू करना है, बात के लिए नहीं छोड़ना, बीएससी पार्ट आपको अभी से शुरू कर देना है, बात के लिए नहीं छोड़ना। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, 11th 12th पहले कर लेते हैं और फिर वो बात के लिए बीएससी पार्ट को छोड़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। बीएससी पार्ट से स्टूडेंट बताता हूं आपको कि 10 में से आप 5 टॉपिक बहुत अच्छे से कर ले, 10-10 आप नहीं कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन स्टूडेंट देखिए 5 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो वो 5 टॉपिक कौन से हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि वो आपको अच्छे नंबर दे के ही जाएगा, है ना। देखिए कौन सा, वेक्टर कैलकुलस बीएससी पार्ट के अंदर, ये आपको 5 में से 3 नंबर, 3 क्वेश्चन अवश्य देगा। वेक्टर कैलकुलस कर लें आप, LPP कर लें आप, 3D कर लें, ओके, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लें, ये सब चैप्टर छोटे छोटे हैं और ये आपको अच्छे खासे नंबर हमेशा देंगे, और चाहे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी कर लें, है ना, क्योंकि ये आपका बहुत सारा कैलकुलस से रिलेटेड पार्ट है। ये 5 टॉपिक तो आपको एटलीस्ट कर ही लेने हैं अच्छे से, डिफरेंशियल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें 11th 12th का ही पार्ट शामिल है और बीएससी का भी शामिल है, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक स्टूडेंट, इनको आप बहुत अच्छे से कर लें, और बाकी चाहे तो आप पुराने सालों के पेपरों से निकाल लें,
है, यानी कि बीएससी पार्ट आप अच्छे से कर लेना है, 5 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। अब बात करते हैं हम 11-12 से, है ना, 11-12 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें से आप कौन कौन से टॉपिक जो है वो आप कर सकते हैं अच्छे से। नंबर वन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मत छोड़िए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को मत छोड़िए, ये आपको डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन दिलवाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं एलजेब्रा की, है ना, उसने कि एलजेब्रा भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन दिलवा देता है, 5 टॉपिक आते हैं एलजेब्रा के, वो आपको सारे कर लेने हैं 5 टॉपिक। सेट रिलेशन फंक्शन में भी आप चाहो तो सेट रिलेशन कर सकते हो, फंक्शन को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बोलता हूँ कि आप चाहे तो कैलकुलस वाला पार्ट ड्रॉप कर दें, कैलकुलस वाले पार्ट में आपके चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, वो आप चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले याद कर लें अच्छे से, ठीक है। वो आपको अगर दिक्कत आती है, कैलकुलस के क्वेश्चन अमूमन स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, चाहे वो लिमिट का हो, चाहे वो DDx वाला हो, कि थोड़ा सा टफ आया तो उसको समझ में नहीं आता, चाहे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे डेफिनिट, उसको आप पूरे को अगर आप स्किप कर दें स्टूडेंट, तो फिर आपको 2D, 3D और वेक्टर आपको पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद में स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि मैं कह रहा हूं कि केवल आप जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसको दिमाग से बिल्कुल हटा दें, और बाकी जो मैथमेटिक्स है जिसमें भी नंबर ऑफ फॉर्मूले उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को भी शामिल कर लें, ये भी कोई खास नहीं है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप मिला लें, अगर कैलकुलस के डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस मिलाकर के अगर आपके दोनों मिलाकर के 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप स्किप कर दें, उसके अलावा तो कम से कम आपके पास में 60 के करीबन क्वेश्चन फिर भी आपके पास में बचते हैं, है ना। तो उसने देखिए क्या रहेगी रणनीति, 9-10 अच्छे से कर लें, मेथोलॉजी पेडागोजी कर लें, बीएससी पार्ट के जो 5 टॉपिक मैंने बताए वो आप बहुत अच्छे से कर लें, बाकी के आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके साथ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। और आप देख सकते हैं 11-12 की ये टॉपिक मैंने बताया, कैलकुलस वाला टॉपिक आपका तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है और कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है एग्जाम के अंदर, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस हो चाहे वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी खुद की एक रणनीति बना करके, खुद की जो स्ट्रांग चीजें उनको देख करके, जो कमजोर चीजें उनको दूर करके, और आप अपना एक टारगेट जनरल कैटेगरी में 250 से 260 का सेट कर सकते हैं। जिसमें देखिए डेफिनेट है कि अमूमन मेरिट इसी के आसपास जाती है, तो ये एक फिगर आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर पेपर पर डिपेंड करता है, वो अलग बात है, पेपर पर डिपेंड करता ही करता है, बट ऑन एन एवरेज पेपर आता है तो हमेशा मेरिट इसी के आसपास जाती है। 2022 में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मेरिट 246 तक जाएगी, उस पेपर की खाली फिर भी गई, है ना, तो इसी के आसपास 252 जाती है, 262 जाती है, 242 जाती है, मतलब यही रहता है आपका हमेशा रेंज 252-260, तो आपके दिमाग में फिगर होना चाहिए भाई मैं इसके आसपास दोनों को मिला करके कैसे पहुंच जाऊं, वो आप ही को डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जीके की तरफ ना मुड़ी आए जो बच्चे ऑन एन एवरेज है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, जीके वो टफ आ गया तो फिर आपके पास मैथ्स में बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मैथ्स में करने के लिए, क्योंकि आपने पूरा ध्यान जीके पर दे दिया है ना, तो आप मैथ्स और जीके दोनों को पैरेलली इक्वली बैलेंस देते रहे, 6 घंटे पढ़ते तो 3-3 घंटे का भी आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स आपका टारगेट 120 से 150 की तरफ डेफिनेटली होना चाहिए, तभी आप एग्जाम जनरल कैटेगरी के अंदर 260 तक कवर कर पाएंगे। आई होप की वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा, कमेंट्स का अंतर रहेगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके थैंक्स, धन्यवाद।